अरे आज हातोडा पगदा अनिल परबचा रिसोर्ट तोडण्यासाठी आणला आहे, पण हा हातोडा उद्धव ठाकरे का भ्रष्ट सरकारला तोडण्यात ठेवायचा। तो रेस्टोरेंट अनिल परब से नहीं है, तुम्हारा क्या माहित है रे भाऊ? एक मिनट, एक हम है कोकन में, यहाँ रोजगार बहुत ही कम है और यहाँ कम रोजगार होते हुए यहाँ के रिसोर्ट्स बंद करने के हेतु से कुछ नेता ऑपोजिशन के यहाँ आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है ये रिसोर्ट एक बैठे हुए मंत्री का है, एक महाराष्ट्र के बैठे हुए मंत्री अनिल परब का रिसोर्ट है। हालांकि ये सच नहीं है। ये रिसोर्ट है अप्पा सदानंद कदम, जो कि उन्होंने एक रिसोर्ट पहले भी खोले थे जो है भरनाना के खेड़ में। उसके बाद उन्होंने 2019 में दूसरी जगह खरीदे और मुरुड में सेकंड रिसोर्ट, दूसरा रिसोर्ट खोले, और वो जो जगह थी वो उन्हें अनिल परब से खरीदी थी। लेकिन शायद कुछ घर पट्टी या कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ इमीजिएटली ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनिल परब का नाम आता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि एक मंत्री का नाम आता है या नहीं आता है, मुद्दा ये है कोकण में रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार निर्माण करना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन रोजगार न निर्माण करते हुए हमारे कोकण में जो कम पर्यटन का रोजगार है उसे और कम करने के लिए यहाँ एक पॉलिटिकल सिचुएशन मुझे तो दिख रही है। अब जो कलेक्टर है बी एन पाटिल, जो रत्नागिरी के कलेक्टर है, उन्होंने इसी संदर्भ में तकरीबन 120 रिसोर्ट को नोटिस भेजे। 120 रिसोर्ट को नोटिस भेजना यानी अलर्ट पे रखना। तो क्या ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन से हमारे कोकण को मुनाफा होगा या फिर नुकसान? हमें इसे राजनीति की नज़र से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमारे एक समाज में रोजगार है या कम है या बढ़ावा हमें देना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आइए सुनते किरीट सोमैया जी ने क्या कहा। कोकणामध्ये मोस्टली जो रोजगार चालतो तो पर्यटनावर चालतो, म्हणजे रिसॉर्ट जशी बंद केले तर पर्यटनावर फरक पडेल असं नाही वाटत तुम्हाला? हा प्रश्नाचं उत्तर मी जुन्या काळात दिला होता। किरीटची तो चांगला प्रश्न होता, कारण आज कलेक्टरांनी 120 रिसॉर्टला नोटीस पाठवली आहे। कोकणात रोजगार नाही आहे इकडे, आणि तुम्ही जे जे काय प्रकरण जे करता ना त्याच्यावर कोकणाच्या पर्यटनवर असर पडतो। आज रिसॉर्ट बंद पडतात, इकडे रोजगार नसून तुम्ही अशी हरकत करा, मग काय होणार आमच्या कोकणाच्या लोकांचं? हे मुख्यमंत्रीने जाऊन प्रश्न विचारा, मुख्यमंत्र्यांनी रिसॉर्ट बंद करण्याचा आदेश दिलाय। प्लीज, अनिल परबचा रिसॉर्टच्या विरोधात डिमोलिशनचा ऑर्डर उद्धव ठाकरेंनी दिलाय, एकच रिसॉर्ट बंद पाडण्याचा ऑर्डर झालेला आहे। तो रिसॉर्ट अनिल परबचा नाही आहे, ते तुम्हाला काय माहित आहे रे भाऊ? ए भाऊ, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, इकडे उघडला गेलेला मुरुडला आणि तो अप्पा सदानंद कदमचा आहे, अनिल परबचा नाही आहे। भाई आपण पत्र जागा विकली गेलेली। भाऊ आपण पत्रकार आहात का ऍक्टिव्हिस्ट आहात? मी माझं उत्तर दिलं, विषय संपला। एक मिनिट रे दादा, मी उत्तर दिला, चला पुढे। ओके, ज्यांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या ना त्यांना सांगा एकच रिसोर्ट बंद करण्याचा ऑर्डर झालाय आणि तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिला आहे, जे द्यायचं त्यांना जाऊन सांगा। चला दुसरा सॅटरडे संडेला सरकारी दफ्तर बंद असतात, आणि आज रिसोर्ट तोडायला आले तिकडे, ते म्हणे का आम्ही चर्चा करू। आवाज